दोस्तों अभी पिछले कुछ घंटों के अंदर हमें WWE कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, जहां पर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जहां पर WWE ने एक नई डील साइन कर ली है नेटफ्लिक्स के साथ। WWE ने वो डील साइन करी है। रोक भी दोस्तों TK ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। जॉन सीना फाइनली रिटायरमेंट के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। बिल्कुल काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं द रॉक के साथ। तो दोस्तों द रॉक अब जो है WWE कंपनी के अंदर जो TK ग्रुप है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल एच ने भी ट्वीट करके चीज को मेंशन किया है कि द्रो की जो टीम होने वाली है TK ग्रुप के साथ, उसके साथ अब काम करने में काफी मजा आने वाला है। तो द रॉक का जो ट्रेडमार्क है, द रॉक का जो नाम है, वो अब उनका ही हो चुका है। और द रॉक अब ऑफिशियली जो TK ग्रुप है उसके साथ हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक फुटेज भी, जो फोटोज है, वो हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में। तो इस साल का जो रॉयल रंबल का मैच है, वहां पर हम सभी को पता है कि CM Punk काफी फेवरेट हैं, कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि CM Punk इस मैच को नहीं जीतने वाले। और CM Punk के अलावा यहां पर गुंथर वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि सेथ रोलंस को हराकर रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गुंथर अभी फेवरेट हैं कि वो मेंस रॉयल मैच को जीतेंगे और इसके बाद वो सेथ रोलंस को चैलेंज करेंगे और इसके बाद रेसलमेनिया के अंदर सेथ रोलंस को हराने भी वाले हैं। अब गुंथर का सीन तो हम सभी को पता है कि कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ब्रोक लेसनर और गुंथर की फ्यूड देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स तो कुछ अलग ही चल रही हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब हमें रॉयल रंबल भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जॉन सीना की जो रिटायरमेंट है, जॉन सीना काफ़ी सारे टीज ऐसे करते रहते हैं, जॉन सीना खुद भी बोलते रहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट अब काफ़ी क्लोज आ चुकी है। तो जॉन सीना ने दोस्तों अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात को बोला है कि वो अभी 47 साल के हो जाएंगे, वो फैन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहना चाहते हैं। लेकिन जॉन सीना ने यहाँ पर यह भी बोला कि वो 50 साल की उम्र से पहले, यानी कि जब जॉन सीना 50 साल के हो जाएंगे, उससे पहले जॉन सीना अपने रेसलिंग करियर को फिनिश करना चाहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को ये भी पता है कि रैंडी ओर्टन ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात बोली थी कि उनका जो ड्रीम मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना के साथ करना है, और वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद दोस्तों जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर ये फोटो पोस्ट की है, जहाँ पर रैंडी ओर्टन WWE चैंपियनशिप को रेज करे हुए हैं। तो जॉन सीना यहाँ से भी फिर से टीजेस देना शुरू कर चुके हैं कि शायद ये मैच भी जॉन सीना और रैंडी ओर्टन के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं WWE की एक नई डील के बारे में, जो कि उन्होंने करी है नेटफ्लिक्स के साथ। तो दोस्तों 2025 के बाद जो WWE का मंडे नाइट रॉ के शोज है, वो हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। और मैं उसी को ये बताता हूँ कि जो ये नेटफ्लिक्स की डील हुई है WWE कंपनी के साथ, ये हुई है $5 बिलियन की। इसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ये 240,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी डील WWE कंपनी ने नेटफ्लिक्स के साथ साइन करी है। और 2025 के अंदर जो सिनेरियो है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। और ट्रिपल एच ने भी दोस्तों यहां पर फिर से ट्वीट करके बताया है कि जो नेटफ्लिक्स के साथ उनकी जो डील है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। और 2025 के जो रो के एपिसोड होंगे जनवरी के अंदर 2025 के, वहां पर नेटफ्लिक्स के ऊपर हमें मंडे नाइट रो देखने को मिलेगी। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि जो मंडे नाइट रो के एपिसोड हैं, वो हमें 3 ही घंटे के शो देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है कोडी रोड से। तो दोस्तों रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच काफ़ी ज़्यादा अभी रूमर्स के अंदर सुनने को मिल रहा है। लेकिन अभी दोस्तों बिल्कुल फ्रेश रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि कोडी रोड्स ना तो रेसलमेनिया के अंदर जाने वाले हैं, यानी कि ना तो कोडी रोड्स रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे और ना ही उनकी स्टोरी फिनिश होने वाली है। तो दोस्तों WWE कंपनी ने उनको 2K24 के कवर के ऊपर तो फीचर कर दिया, लेकिन रेसलमेनिया के मेन इवेंट कार्ड के ऊपर शायद उनको फीचर नहीं करने वाली, ऐसा हमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुन रहा है। और आगे देखते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर क्या सिनेरियो होता है कोडी रोड्स का। चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कोडी रोड्स वो सुपरस्टार होने वाले हैं जो कि रोमन रेंस को डीथ्रोन करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, अभी रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो चुकी है, तो धीरे धीरे जो सभी क्वेश्चंस है उनके आंसर हमें मिलते जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।